इधर जो अखबारों में आया कि आठवां समन भेजा गया, नोटिस की गई और तमाम सूत्र के हवाले से संवाद माध्यमों में आया कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ईडी ने उस पत्र में लिखा। मेरा पहला सवाल, ईडी जब भी किसी को नोटिस जारी करती वो नोटिस का मजमून ईडी क्या पब्लिक डोमेन में डालती है? जब पब्लिक डोमेन में नहीं डालती तो ये भ्रम की सूचनाएं कहां से आती? एक बार दो बार जो संवाद माध्यमों से जुड़े हुए लोग हैं वो व्यक्तिगत आकलन से कह सकते हैं, लेकिन लगातार इस तरह की खबरें आना और एक तरह की खबर आना ये कोई साधारण सी बात नहीं। इसका मतलब है ईडी कहीं ना कहीं राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए राज्य सरकार के कामकाज को रोकने के लिए इस तरह का काम कर रहे। और आज गांव गांव में इस बात को लेकर आक्रोश कि जब सरकार हमारे पास आ रही है, हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, कुछ काम होना है तो ये अड़ंगा लगा रहे, भारी आक्रोश। तो आप यदि ठान के रखें कि हम राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे काम करेंगे, फिर तो ईडी का भी मुकाबला हम लोग को राजनीतिक तौर पे करना पड़ेगा। क्योंकि यदि राजनीतिक लड़ाई अब भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ेगी, अब जब ईडी लड़ेगी तो हमको भी तो उनके साथ राजनीतिक लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ऐसा चल नहीं सकता। इसलिए लोगों की जो आक्रोश वह आक्रोश कहीं विभत्स रूप ना ले, उसके पूर्व यह जरूरी है कि ईडी की विश्वसनीयता बनी रहे, तथ्यपरक रहे, पारदर्शी रहे। दादा एक दो सवाल है मेरा, आप ईडी को सलाह दे रहे, चेतावनी दे रहे हैं या डरा रहे हैं कि बंगाल भी बन सकता है ज्यादा? देखिए मैंने उनको कहा है, उनकी अपनी स्वायत्तता है, इसलिए उनको पारदर्शी भी होना चाहिए और तथ्यपरक भी। दादा आपने कहा कि भारी आक्रोश है लोगों में, तो क्या 20 तारीख को लोगों का आक्रोश दिखेगा क्या पीएम आवास के सामने? मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं दादा, लेकिन 7 समन तक इलीगल था, राजनीति से प्रेरित था, ये 8वां समन कैसे ऑल राइट हो गया हमको समझ में नहीं आया। नहीं, हम लोग तो संशय खत्म करना चाहते हैं क्या पूछ रहा है पूछो, लेकिन ये भी तय है कि क्या क्या जानना चाहते हो वो हमको पहले बता दो। भारी आक्रोश है जनता में, बंधु तिर्की कह रहे हैं कि ट्राइबल अगर मतलब गुस्सा हो गया तो फिर पीडी पीडी सीडी कहाँ रहेगा पता नहीं होगा, जमीनी शिकार टाइप का। बाबू लाल जी कह रहे बंगाल हो सकता है, तो मतलब क्या ईडी को सचेत रहना, सलाह वाला वैसा कुछ दे रहे कि पूरा तैयारी करके? मैं तो बड़ा
स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि ईडी अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए जरूरी पारदर्शी तरीके से तथ्यपरक काम करे और भ्रम की स्थिति उत्पन्न न। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।